हेलो दोस्तों, तो लगातार हम 2 दिन से पुट बाय करके प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या स्ट्रक्चर होता है उसको समझना जरूरी होता है। और लगातार देखिए हम 2 दिन से यहाँ पे पुट बाय कर रहे हैं, और कई लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि हम लगातार यहाँ पे देखिए कॉल बाइंग की बात कर रहे हैं। तो हम देखिए मार्केट के हिसाब से चलते हैं। जैसे ही मार्केट में हमें क्लियर कट कुछ सिग्नल आता है कि अब इसमें सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, यानी कि पुट बाय करते हैं। बायर्स एक्टिव होते हैं तो उसमें हम बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। हाँ, इसमें स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक मार्केट स्पीड में नीचे, फिर ऊपर, फिर इस टाइप से, इसके बाद फिर ऊपर। इसमें क्या होता है कि टाइम स्टॉप लॉस हिट होता है, और इसमें टाइम स्टॉप लॉस हिट होने से क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम भी होता है, कैपिटल में लॉसेस भी होते हैं। लेकिन देखिए जब मार्केट क्लियर कट सिग्नल दे तभी हम पुट बाय वगैरह करते हैं, और पुट बाइंग का जो भी प्रॉफिट लॉस उसमें आपको है, प्रॉफिट ही हुआ है, शानदार प्रॉफिट चल रहा है। 2-3 दिन में 4-5 हज़ार का, यहाँ पे देखिए पूरा मार्केट रेंज में ही है, फिर भी 4-5 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। और इसका पूरा आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा, आप वो जरूर सब वीडियो चेक किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कोई भी डाउट होता है। तो देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर को समझिए एक बार। यहाँ से देखिए ये जो मार्केट में ये जो फॉल आया, यहाँ से हम इसके नीचे हम यहाँ पे बेरिश हो गए। इससे पहले हम बेरिश नहीं थे। हाँ, अभी भी पूरी तरह से बेरिश नहीं हुए हैं, क्योंकि देखिए मार्केट कोई क्लियर कट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट यहाँ से इस टाइप से यहाँ से ऊपर जाके अगर आता तो इस टाइप से अच्छा होता, लेकिन क्या किया कि मार्केट एक नीचे का ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस ऊपर आ गया। लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस पे आया था तो यहाँ पर हमारा एक पुल बैक का था, तो पुल बैक आ चुका है। अब देखिए क्या है कि ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये देखिए इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। एक बार आप इसको आवरली चार्ट में समझिए तो अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए मार्केट को समझना जरूरी होता है कि मार्केट में किस टाइप का बिहेवियर कब होने वाला है, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन के बेसिस पे भी ट्रेड इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट होंगे। अभी देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, इस टाइप का देखिए यहाँ पे एक रेंज बना, रेंज का एक ब्रेकआउट आ गया, और देखिए एक इस टाइप का एक छोटा सा इसका टारगेट पूरा कंप्लीट भी हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मार्केट स्पीड में इस टाइप से नीचे आ जाता है, और ये वाला जो पैनिक सिनेरियो है ये थोड़ा सा पकड़ना मुश्किल होता है। हाँ, आपको लगेगा कि यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, गिरने के बाद लगेगा कि मैंने यहाँ पे सेल तो किया था लेकिन पोजीशन को होल्ड नहीं करने पाया, लेकिन वो सब रिग्रेट होता है। एक्चुअल में हमारा जो सेलिंग का लेवल बनता है, अगर यहाँ से देखिए इस टाइप से, अगर यहाँ से इस टाइप से बनाता है तब भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही माना जाएगा। और ऐसे भी हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप से अगर ये बनाता है तो ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो यही सब लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया। ये सब लॉजिक लगाने के बाद सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे देखिए ये वाला लेवल का अब स्टॉप लॉस क्लियर कट हमारा है सेलिंग के लिए 21800। 21800 के ऊपर क्लोजिंग करता है तो हमें सेलिंग में से एग्जिट करना होगा, वापस से कोई फ्रेश व्यू बनेगा। प्लस में मैंने ये चीज आपको जब मार्केट यहाँ पे भी आया था तभी मैंने बताया था कि मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों तरफ के मूवमेंट बन रहे हैं, तो इसमें हमें अवॉइड करना होगा, या फिर जो भी होगा वो क्लियर कट कुछ सिग्नल मिलने दीजिए। इसमें पोजिशनल अगर हम ऑप्शन की बाइंग करते हैं तो इसमें फंस जाएगा, इसलिए पोजिशनली हम ज्यादा ऑप्शन की बाइंग नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इंट्राडे में ही ट्रेड करें, और देखिए इंट्राडे में ट्रेड किया, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी पुट बाय करके प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे भी पुट बाय करके प्रॉफिट हुआ। क्यों प्रॉफिट हुआ इसको समझिए, और क्या क्या इसमें हमने ट्रेड लिया था। अगर आपको ये लग रहा है कि कहाँ पे ये सब मिलेगा तो शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में जाइएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको पूरा उसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होता है डेली बेसिस पे मैं अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह करने में, इसके चलते मैं आपको शॉर्ट वीडियो में भी बताता हूँ, बाकी यहाँ पे डिटेल्स में तो आपको मिलते ही रहता है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक हमारा यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं था। इसके बाद देखिए जब जैसे ही मार्केट यहाँ आया हमारा व्यू क्या हो गया कि अब मार्केट एक बार सेलिंग में आएगा। हमने यहाँ पे भी सेलिंग का पोजीशन बनाया, हमने यहाँ पे भी सेलिंग का, यहाँ पे टॉप से सेलिंग का पोजीशन बनाया, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर इधर आया, फिर सेलिंग का पोजीशन बनाया, फिर इधर प्रॉफिट बुक किया, फिर यहाँ पे देखिए तो हमने 2-3 ट्रेड यहाँ पे लिया और 2 ट्रेड यहाँ पे लिया। एक ट्रेड में यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, क्योंकि टाइम स्टॉप लॉस यहाँ पे इंट्राडे में करते हैं तब भी हमको पोजीशन को छोड़ना पड़ता है, तो टाइम स्टॉप लॉस हिट हुआ। और यहाँ पे देखिए इसके बाद भी हमने एक इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया 3-4 हज़ार का, तो हमने 2 हज़ार का रिस्क लेके हमने यहाँ पे 50 रुपये का एक पुट होल्ड भी किया है, वो भी आपको वहां पे दिखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सब चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इस टाइप का अगर ये पुल बैक है, ये पुल बैक है, उसके बाद जब इस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है तो अगर मार्केट नीचे आता है तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस यही कह रहा है और ये कह रहा है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो है सेलिंग का यह जो व्यू है ना, इसको यहाँ कुछ टाइम के लिए नेग्लेक्ट करना होगा, और अगर बाइंग नहीं कर सकते हैं तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो इसमें ये नहीं होता है कि अब यहाँ से अगर निकल गया तो अब यहाँ से फिर इस टाइप से अगर हम बाइंग में आ गए, हाँ बाइंग में हमें अगर मौका मिलेगा तो हम इधर भी आ जाएंगे, लेकिन उसमें क्लियर कट स्टॉप लॉस होगा और उस स्टॉप लॉस पे एग्जिट तो एग्जिट,
कोई भी ट्रेड, जैसे कि कई बार क्या होता है कि बड़े स्टॉप लॉस के साथ कई बार हम उसको होल्ड भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हमें दोनों साइड के ट्रेड लेने पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपके साथ शेयर यही चीज पहले ही कर दिया कि देखिए वीकली और मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या है कि एक स्ट्रेच मोड में आ चुका है। आप देखिए वीकली चार्ट में अगर आप निफ्टी को देखेंगे कि यहाँ से देखिए यहाँ तक का ये जो एवरेजेस है काफी दूर हो गए थे, तो एक स्ट्रेच मोड में आ गया था। यहाँ पे रेड कैंडल भी बन चुका है और यहाँ पे देखिए ये एवरेज भी अभी दूर है, 20,500 है। तो मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पे एक या तो इस एवरेज को यहाँ पे आने का इंतजार करे, या फिर यहाँ पे अभी आ गया है तो फिर धीरे धीरे करके जाए। तो ये एवरेजेस का एक बार और इस प्राइस को एक बार मिलना जरूरी है। तो जब तक नहीं मिलता है तो एक अच्छा मोमेंटम नहीं आता है, यही प्रॉब्लम होती है मार्केट में। मैंने आपको एवरेजेस का रूल इसीलिए समझाया है कि देखिए एवरेजेस का क्या होता है कि जब यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि स्ट्रेच हो गया, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है, फिर स्टेप्स का मूवमेंट दिया, लेकिन क्या हुआ कि जब इसको टच किया उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट आया। इससे पहले भी आप कई बार देखेंगे और ये सब चीजें हमेशा अप्लाई होती है। आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सा चीज को आपको देखना है। अब देखिए इस टाइप का यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया। आपने डेली चार्ट में क्या देखा है, आप डेली चार्ट में एक बार देखिए, मैं आपको अलग अलग प्राइस एक्शन प्राइस स्ट्रक्चर को मल्टीपल एनालिसिस के साथ कैसे ट्रेड करते हैं इन्वेस्ट करते हैं उसको समझिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको एक आइलैंड रिवर्सल गैप दिख रहा है। आइलैंड रिवर्सल गैप क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको इस चैनल पे बताया थी, अभी यहाँ पे भी बता दूंगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक आइलैंड टाइप का आकृति बना, एक टापू बन गया। क्या हुआ, प्राइस इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, एक गैप अप ओपनिंग मिला। दूसरे दिन भी वहीं पे प्राइस रहा, 2 दिन यहीं पे आपका प्राइस रहा, और उसके बाद क्या हुआ कि एक गैप डाउन ओपनिंग मिला। तो क्या हुआ कि यहाँ का ये जो पूरा एरिया है इस प्राइस से पूरा कटा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, एक टापू हो गया। इसीलिए इसको आइलैंड रिवर्सल गैप बोला जाता है। अब ये आइलैंड रिवर्सल गैप बनता है तो मैंने आपको पहले भी एक दो बार बताया है कि इसके बाद जो होता है यहाँ पे, कहने का मतलब कि जबरदस्त तरीके से अगर ये बाइंग के साइड में बनता है, यानी कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है और इस टाइप का अगर आइलैंड रिवर्सल यहां से बन गया, तो 8-10% का अपसाइड मूवमेंट पॉसिबल होता है। उसमें क्या होता है, अगर इस टाइप का नीचे की तरफ का बन गया तो इसमें भी 8-10% का डाउनसाइड मूवमेंट पॉसिबल होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक बार इसको समझिए, एक बार आइलैंड रिवर्सल गैप एक बार इधर कहीं पे बना था और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखिए आइलैंड रिवर्सल गैप बन गया और इसके बाद यहां से 10% की तेजी आएगी। यहां पे देखिए बना था आइलैंड रिवर्सल गैप, बना प्राइस इस टाइप से नीचे की तरफ आ रहा था, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, यहाँ पे प्राइस ट्रेड किया और वापस दूसरे दिन यहाँ पे ऊपर आ गया और कभी भी इस गैप को टेस्ट नहीं किया। इसके बाद देखिए 10% की तेजी तो नहीं आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप इसको समझिए। कई बार देखिए मेरे एनालिसिस में ये होता है कि अंदर का जो बायर है वो तो स्ट्रोंग है, लेकिन कई बार प्राइस में इस टाइप का एक ट्रैपिंग होता है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे ये ऊपर जाने का पूरा यहाँ ब्रेकआउट भी दे रहा था, अच्छा पैटर्न भी था, लेकिन यहाँ पे ये ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया प्राइस, और नीचे आने के बाद जो मूवमेंट आया ये अनबिलीवेबल रैली आया। आप इसको ड्रीम रैली कहेंगे, बहुत सारे आप ट्रेडर से मिलेंगे इसको आप ड्रीम रैली बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टाइप का जो मूवमेंट है आप देख रहे हैं, प्राइस कहाँ था, ये आपका प्राइस एक्चुअली यहाँ से देखिए 19,500 से 10% ऊपर की तरफ का मूवमेंट देना चाहिए, तो लगभग 21,000-22,000 का वहीं से ही हमारा टारगेट बन रहा था। लेकिन क्या हुआ, मार्केट मार्केट एक बार नीचे की तरफ 18,800 आया और इसके बाद ये जो बूम दिया वो देखिए इस टाइप का मूवमेंट आता है। तो आप भी कई बार बोलते हैं कि मैं ट्रेड लेता हूँ स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस जाता है, देखिए स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जाता है कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या हुआ, क्या इसको हमने छोड़ दिया है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ नीचे आया, ये सेलिंग भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सेलिंग आ गया, उसके बाद जब वापस यहाँ से रिवर्सल होने लगा, यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर दिया और यहाँ से पूरा अग्रेसिव बाइंग करने लगा और पूरा सब कुछ इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर किया और बहुत बड़ा जैकपॉट प्रॉफिट भी बनाया। तो देखिए व्यू को समझिए, और व्यू को समझने के साथ कई बार प्राइस आपको उस टाइप से बिहेव ना करे तो आप उस पर एक्शन कम लें। जैसे ही प्राइस में एक्शन उस टाइप का हो स्टार्ट हो जाए तब आप उसमें एक्शन लेंगे, तब आपका सही तरीके से काम होगा। तो ब्रॉडर व्यू को पहले समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि ये जो इस टाइप का एक स्ट्रेच मूवमेंट है, ये मूवमेंट अब यहाँ पे थोड़ा सा थक चुका है, तो अगर एक छोटा करेक्शन यहाँ पे 21,000 या फिर यहाँ पे ये 20,500 ये सब लेवल तक भी आ जाए तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। इसको आपको समझना है कि अगर ये होता है तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उसके लिए देखिए यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर इस टाइप का ये बना रहा है, तो ये जो प्राइस स्ट्रक्चर है शानदार प्राइस स्ट्रक्चर है। अगर सेलिंग आता है तब भी मार्केट में एक अच्छा सेलिंग आएगा तो हम सेलिंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को समझिए कि ये मार्केट अभी भी बुलिश ही है। क्यों? क्योंकि आपका ये देखिए ये इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रहा था, नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ये ऊपर की तरफ वापस सस्टेन कर लिया, तो अभी ये
ये जो स्ट्रिंग्स है ना, ये सब आपका एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि बायर्स के जगह पे सेलर्स थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, आइलैंड रिवर्सल गैप भी है, तो यहाँ से अगर 10% का टारगेट ले तो हमारा 20,000 आसपास का टारगेट आ रहा है, ठीक है, ये जो 20,000 का लेवल है, तो अगर मार्केट यहाँ तक भी आ जाए तब भी आपको इसमें ज्यादा सरप्राइज नहीं होना है, ये लेवल का ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो सकता है मार्केट में, ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, इसको प्लान करना चाहिए कि देखिए इस टाइप से अगर मूवमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आवरली चार्ट को हम इसमें हेल्प लेंगे, आवरली चार्ट पे हम ये सब स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि आवरली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो देखिए आवरली चार्ट में क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया कि ये जो है यहाँ पे देखिए आवरली चार्ट में आपको क्लियर कट आइलैंड दिख रहा है, यहाँ पे देखिए प्राइस ऐसे जा रहा था और क्या हुआ कि यहाँ पे एक आइलैंड बनाया, गैप अप ओपनिंग दिया, 2 दिन यहाँ पे ट्रेड किया और वापस यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दे दिया, तो ये देखिए ये एक शानदार आइलैंड बन चुका है, आप यहाँ पे भी बोलेंगे कि आइलैंड बन चुका है। देखिए सब जगह आइलैंड जो है वो सब जगह आपको उस टाइप का बिहेवियर जो है वो अगर कंफ्यूजन होने लगता है आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि देखिए ये तो आइलैंड टाइप का है लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एक वापस यहाँ पे टेस्ट हो गया, इस लो के आसपास में आ चुका है, इस हाई के आसपास में, तो ये गैप फिल हो चुका है, तो जब गैप फिल हो जाता है तो उसको आइलैंड नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन एक अलग टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्टिवेशन देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए और यहाँ पे बायर्स भी एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें अग्रेसिव नहीं जाएंगे, इसको आप समझिए। अगर यही चीज अगर यहाँ पे इस टाइप से क्लियर कट यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाता ना, तो हमें एक क्लियर कट नीचे का सेलिंग मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में पूरा 100% सेलिंग, ये नहीं, ये जो सेटअप बनता है इसके बाद ब्रेकडाउन आता तो 80-90% चांसेस होते हैं, लेकिन अभी भी चांसेस है कि मार्केट गिर सकता है, क्योंकि स्ट्रेच है वीकली चार्ट में, और वीकली और मंथली चार्ट में जब स्ट्रेच होता है तो मार्केट या तो एक छोटा मोटा करेक्शन इस टाइप का दे सकता है या फिर इस टाइप का एक साइडवेस मूवमेंट दे सकता है, रेंज बोर्ड मार्केट दे सकता है, हाँ ऊपर जाने में इसको प्रॉब्लम होगा, तो ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर हम सेलिंग करते हैं तो हमारा सेलिंग का क्या स्टॉप लॉस होगा, सेलिंग का जो स्टॉप लॉस होगा ये देखिए ये वाला जो प्रीवियस हाई क्लियर कट बनाया था ये वाला, और यहाँ पे देखिए ये गैप है, तो क्लियर कट 21,850 ये हमारा सेलिंग का लेवल है, मतलब स्टॉप लॉस का लेवल है, सेलिंग का लेवल हमारा देखिए यहीं से एक्टिवेट है, छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए क्योंकि उतना अग्रेसिव उस टाइप का मार्केट अभी पैटर्न क्लियर नहीं बनाया है, लेकिन मार्केट में अभी उस टाइप का बाइंग भी नहीं दिख रहा है, तो जब ये सब स्विंग को ब्रेक करेंगे तो छोटे छोटे क्वांटिटी देखिए छोटा इसीलिए रखना है क्योंकि दोनों साइड के स्टॉप लॉस मार्केट में बड़े बड़े बन रहे हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया कि बड़े बड़े जब स्टॉप लॉस बनते हैं तो आपको क्वांटिटी को मैनेज करना होगा, आप 5 लॉट से ट्रेड करते हैं आपको 2 लॉट से ट्रेड करना पड़ेगा, आपको 1 लॉट से ट्रेड करते हैं आपको 1 लॉट से ही ट्रेड करना पड़ेगा और आपको उसमें लॉस लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप 1 लॉट से ट्रेड करते हैं तो आप मार्केट से अगर अलग हो जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको 1 लॉट से ट्रेड करना ही नहीं है, आपको ट्रेड जब भी करना है तो आपको 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट से कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा, फालतू में आपका टेंशन और प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए ये सब चीज को समझते हुए आप मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट कीजिए। डिस्क्लेमर ये है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।